नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप ट्रेडिंग व्यू में कैंडल का जो टाइमिंग होता है, मतलब 5 मिनट का कैंडल है समझो, तो उस 5 मिनट का टाइम कैंडल जो है क्लोज होने में कितना वक्त बचा है वो कैसे आप सेट कर सकते हो, मतलब कैंडल क्लोजिंग का जो टाइम है उसको कैसे सेट कर सकते हो या फिर कैसे यहाँ पर ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, और हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी एक चार्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेडिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और उसके बाद दोस्तों आप ऊपर देख सकते हो स्केल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको सिंपली स्केल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये राइट साइड पे जो थोड़ा सा ब्लैक कलर का बना हुआ है, यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है नीचे, और अपने माउस से भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस स्केल के अंदर काउंट डाउन टू बार क्लोज जो है इसको चेक कर देना है। ठीक है, ये अनटिक है तो इसको टिक कर देना है, तो आपका जो है कैंडल क्लोजिंग का जो टाइमिंग है वो सेट हो जाएगा, और वहाँ से आप देख सकते हो कितना टाइम बचा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।